और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर अयोध्या से है, जहां कांग्रेस नेता आज रामलला के दर्शन करेंगे। दोपहर 2 बजे कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचेगा। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे अयोध्या पहुंचेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेसी पहुंचेंगे। बता दें, सरयू नदी में स्नान के बाद पूजा अर्चना करेंगे। रामलला हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे कांग्रेस नेता। तो कांग्रेस के नेता आज रामलला के दर्शन करेंगे, अयोध्या से ये खबर है। बता दें कि दोपहर 2 बजे कांग्रेस का डेलीगेशन अयोध्या पहुंचेगा, जहां प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे अयोध्या पहुंचेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेसी अयोध्या पहुंचेंगे, जहां सरयू नदी में स्नान के बाद पूजा अर्चना करेंगे। रामलला हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे कांग्रेस नेता। कांग्रेस नेता आज रामलला के दर्शन करेंगे, अयोध्या से यह खबर सामने आ रही है। जहां कांग्रेस के नेता आज रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पूजा अर्चना करेंगे, वहीं प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे अयोध्या पहुंचेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेसी अयोध्या पहुंचेंगे, सरयू नदी में स्नान के बाद पूजा अर्चना करेंगे। तो देखिए, कांग्रेस नेता आज अयोध्या पहुंचेंगे और संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, जहां संजय हमसे जुड़े हुए हैं, सीमाब हमसे जुड़े हुए हैं। सीमाब मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेसी नेता आज अयोध्या पहुंचेंगे और दर्शन पूजन करेंगे। देखिए, जाहिर है कि आज कांग्रेस का एक डेलीगेशन अविनाश पांडे, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, वो और साथ ही साथ अजय राय, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आज अयोध्या आ रहे हैं। पहले वो सरयू स्नान करेंगे, 2 बजे तकरीबन वो यहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद हनुमानगढ़ी जाएंगे, भगवान हनुमान के दर्शन करेंगे और उसके बाद रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। और ये पूरा जो घटनाक्रम है, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही सोनिया गांधी ने इस बात को जो है वो जिक्र किया था कि वो अस्वीकार करती हैं, वो नेता वो यहाँ पर नहीं आएंगी। कांग्रेस के कई अन्य नेताओं ने जो है वो आने से मना कर दिया। इस बीच जब अजय राय और उनके तमाम लोग, अविनाश पांडे, यहाँ पर सरयू स्नान करने के लिए आ रहे हैं, तो ये अपने आप में एक कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मियां तेज करने वाली बात हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर जो है वो आश्वस्त है कि उसका जो है वो अयोध्या में उसका डंका बज रहा है, क्योंकि रामलला का जो मंदिर बन रहा है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरा श्रेय ले रही है। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी भी उसमें कूद पड़ी है। हालांकि तमाम आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए गए कि राम को काल्पनिक कहा गया कांग्रेस की रिजिम में, इस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते हैं, लेकिन आज अजय राय और कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ आकर इस बात को साबित करेंगे कि वो भी राम भक्त हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है और चाहे जो भी दल हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, सब लोग अपने आप को बड़ा राम भक्त साबित करने में लगेंगे। और यही वजह है कि अजय राय यहाँ पर आज पहुंच रहे हैं। जाहिर है कि इससे पॉलिटिकल जो गतिविधियां हैं वो तेज होंगी, क्योंकि जो भाजपा के नेता हैं वो तमाम तरह की बातें करने लगे हैं कि सद्बुद्धि दी है भगवान राम ने कांग्रेस के नेताओं के, इसीलिए दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेसी नेता मान नहीं रहे, वो अब यहाँ पर आएंगे, सरयू में स्नान करेंगे, हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे और रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। यानी कि एक मैसेज देने की कोशिश 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस के लोग भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में वो राम के नाम पर वो भी वोट मांग सकते हैं। बहरहाल, ये पूरा घटनाक्रम 2 बजे के बाद शुरू होगा। बड़ी संख्या में कांग्रेसी यहाँ पर अभी से पहुंच रहे हैं और लोगों के आने का इंतजार हो रहा है कि वो भी आए और सरयू में डुबकी लगाए। बहरहाल, सरयू में डुबकी लगाने से किसके पाप धुलेंगे, किसके नहीं धुलेंगे, किसके हाथ सत्ता की चाबी लगेगी, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां जरूर शुरू हो गई हैं इसको लेकर। संदीप, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, आप अयोध्या में मौजूद हैं, लगातार प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। कुछ ही दिनों का
वक्त रह गया है प्राण प्रतिष्ठा में। और देखिए, एक तरफ राजनीति भी गरमाई हुई है, जहां एक तरफ कांग्रेस पहले कहती है कि वो शामिल नहीं होगी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले अब देखिए कांग्रेस का एक डेलीगेशन अयोध्या पहुंच रहा है, अजय राय खुद पहुंच रहे हैं, तो क्या कुछ इसके सियासी मायने निकाले जाएं? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर मयूरी, जिस तरीके से कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का निमंत्रण पत्र को अस्वीकार करना और ये कहना कि हम प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएंगे, लेकिन वहीं पर देखिए कांग्रेसी नेताओं का, क्योंकि आज से सभी को पता है कि खरमास के जो दिन है वो समाप्त हो चुके हैं और आज 15 जनवरी को मकर संक्रांति का दिन है और वो सरयू में स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं। मैं आपको सामने तस्वीर में भी दिखाना चाहूँगा, इस समय हम लोग उसी स्थल पर मौजूद हैं, यानी सरयू नदी पर मौजूद हैं। इसी नदी में आज कांग्रेस के जो तमाम नेता यहाँ पर पहुँचेंगे वो स्नान करेंगे और यहाँ पर स्नान करने के बाद वो हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। देखिए, साफ तौर पर चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए या फिर अन्य लोगों की बात करी जाए, उनका कहना ये है कि जब कांग्रेस पार्टी प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने से इंकार करती है तो कांग्रेस में ये दोहरी मानसिकता क्यों है, जहां एक तरफ सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता मिलने के बावजूद वो लोग वहां नहीं आ रहे हैं, ऐसे में कांग्रेसी नेता को तो अयोध्या आना ही नहीं चाहिए। तो आज का दिन जो है वो बेहद ही खास है, आज कांग्रेसी नेता जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करेंगे। कांग्रेस के नेता कहते हैं प्रभु श्री राम सबके हैं, तो अगर प्रभु श्री राम सबके हैं तो उनकी पार्टी के शीर्ष नेता प्रभु श्री राम के निमंत्रण पत्र को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कांग्रेस का पूरा डेलीगेशन देखिए दोपहर में 2 बजे तक यहां पर पहुंचेगा, क्योंकि उनका जिस तरीके से मौसम खराब होने के कारण फ्लाइट में परिवर्तन हुआ है, और उसके बाद ये सभी जो अगर कहा जाए सरयू के दर्शन, सरयू में स्नान करने के साथ साथ हनुमानगढ़ी रामलला के दर्शन, तो आज का दिन जो है वो राजनीति के लिए देखिए कई तरीके से कह सकते हैं कि बदलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस आज भारतीय जनता पार्टी पर देखिए तमाम तरीके के हमले करेगी, क्योंकि उनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कार्यक्रम को एक लेकर एक इवेंट बताया, जबकि खुद भारतीय जनता पार्टी कहती है कि प्रभु श्री राम हमारे नहीं है, प्रभु श्री राम तो सभी के हैं। 2 बजे तक पूरा कांग्रेस का डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचेगा मयूरी जी। सीमा, आप देखिए जिस तरह से लगातार विपक्ष पर आरोप लगाए जा रहे थे पक्ष, सत्ता पक्ष की तरफ से, कि वो राम को नहीं मानते, अब देखिए कहीं ना कहीं विपक्ष अब इसे मिटाते हुए नजर आ रहा है कि हाँ वो भी राम की पूजा कर सकते हैं, वो भी उनकी भक्ति कर सकते हैं। देखिए, जो विपक्ष के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कि वो राम को नहीं मानते हैं, भगवान से दूरी बनाए हुए हैं, तो ये बात सच है कि विपक्ष जो है वो इस भ्रम को खत्म करना चाहता है, जनता के बीच में एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि वो भी राम भक्त हैं, और यही वजह है कि आज अजय राय के साथ पूरी टीम यहाँ पर सरयू स्नान करने के लिए आ रही है, क्योंकि हमेशा इस बात का आरोप लगता रहा है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो जो है वो राम भक्त नहीं है और वो राम के खिलाफ रहते हैं, तो कांग्रेस के नेताओं ने इस बात को सिद्ध करना शुरू कर दिया कि वो भी राम भक्त हैं, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो इसलिए ज्यादा बड़े राम भक्त हैं, और भाजपा वालों से ज्यादा बड़े राम भक्त बनकर दिखाएंगे। इसीलिए जो है अयोध्या का जब मौसम ऐसा है और जितनी कड़ाके की ठंड है, अजय राय अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर सरयू स्नान करने के लिए आ रहे हैं, रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। बहरहाल, ये राम की जो लगाव है राम के प्रति वो खाली जो है वो ऐसा तो नहीं है कि चुनावी लगाव हो, क्योंकि ज़्यादातर नेता यही माथा टेक रहे हैं, और अखिलेश यादव को भी पत्र लिखा गया था अभी इसी मौसम में और उनको निमंत्रण पत्र भेजा गया था, उन्होंने चिट्ठी लिख दिया कि हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आएंगे लेकिन उसके बाद मंदिर के दर्शन करने जरूर आएंगे, परिवार के साथ आएंगे, और कांग्रेस के नेताओं का भी यही कहना है कि वो राम भक्त हैं, भारतीय जनता पार्टी के राम नहीं है, हमारे भी राम हैं। अब राम के ऊपर ही राजनीति शुरू हो गई है और यही वजह है कि सब लोग अपने अपने तरफ अपने अपने पाले में राम, भगवान राम को लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा बड़े राम भक्त के पब्लिक के बीच में जाएं बनकर, ताकि हमको इसका लाभ मिले। तो तमाम की जा रही है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ होगा। संदीप, मैं आपके पास आऊंगी, जो कांग्रेसी डेलीगेशन है ये अयोध्या कितने बजे पहुंचेगा, क्या इसकी कोई जानकारी है?
देखिए बिल्कुल मयूरी, साफ तौर पर पहले जिस तरीके से कांग्रेस के डेलीगेशन के पहुंचने का जो समय है वो 11 बजे बताया था, लेकिन फिर उनकी फ्लाइट लेट हुई है और अब 2 बजे कांग्रेस का डेलीगेशन देखिए अयोध्या में पहुंचेगा। अयोध्या में पहुंचने के बाद सबसे पहले सरयू घाट पर पहुंचेगा जहां पर हम लोग मौजूद हैं। और देखिए साफ तौर पर जिस तरीके से आपने कहा कि विपक्ष भी अब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं, तो देखिए सभी को पता है कि जिस तरीके से वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस के बीच में जिस तरीके की जो एक रार छिड़ी हुई है, क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा कि निमंत्रण पत्र सिर्फ उनको भेजा जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, लेकिन देखिए तमाम लोगों को निमंत्रण पत्र भेजा गया है, उसके बावजूद भी कांग्रेस का देखिए इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह को यह कहा जा सकता है कि बायकॉट करना, क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेता यहां पर नहीं पहुंच रहे। तो कांग्रेस का देखिए जब डेलीगेशन आज अयोध्या पहुंचेगा तो अजय राय के नेतृत्व में जिस तरीके से यह पूरा डेलीगेशन है, अविनाश पांडे मौजूद हैं जो